यति किसको कहते हैं? यति का अर्थ होता है जो संसार से विरक्त होकर केवल ध्यान साधना में लगा रहे, उसको कहते हैं यति। मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और तत्व का मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषियों मंत्र दृष्टारह मंत्राण संप्रादो, जो वेद मंत्रों के अर्थ को समाधि अवस्था में साक्षात्कार करता है उसको ऋषि कहते हैं। महर्षि किसको कहते हैं? जो अंग उपांग सहित चार वेदों की व्याख्या कर सकता हो और समाधि अवस्था में मंत्रों के मंत्रार्थ को जानता हो उसको महर्षि कहते हैं। ब्रह्मर्षि किसको कहते हैं? जो समाधि अवस्था में ब्रह्म के तत्व को जानता हो, साक्षात्कार करता हो, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ये अलग अलग उपाधियां हैं। योगी किसको कहते हैं? जो योग साधना में तलीन हो, संयोग योग इत्युक्ता जीवात्म परमात्मा, जीव का और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग का दूसरा अर्थ है समत्वम योग उच्चते, समत्व समत्व भाव को प्राप्त होना। हम दृष्टा होकर संसार को देखने लगे, सुख हो रहा है तो हम खिलखिलाए नहीं, दुख हो तो फुट फुट कर रोए नहीं, हंसना और रोना दोनों ही अज्ञानता है। आप दृष्टा भाव से देखकर संसार में प्रसन्न रहिए। एक तो होता है प्रसन्नता जो स्वाभाविक जीव की प्रसन्नता है। सामान्य प्राणी कभी खूब हंसेगा कभी खूब रोएगा, ये दोनों ही अज्ञानता मूलक है। जो ज्ञानी होगा वो मुस्कुराएगा, दृष्टा भाव से देखेगा, उसको मालूम है कभी घनी अंधेरी रात है तो कभी उगता हुआ सूरज है, कभी दुख के बादल हैं तो कभी सुख की फुहारें पड़ती हैं। ये तो संसार है, कहीं मान है कहीं अपमान है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जो तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय न यो पापम अवशेष। अर्जुन, लाभ हान जय पराजय सुख दुख मान अपमान में तू समान हो जाए और उठकर खड़ा हो जाए निष्काम कर्म करने के लिए जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। इसलिए जो महान पुरुष होते हैं बड़ी से बड़ी विपत में कभी घबराते नहीं है। सामान्य व्यक्ति जरा से संकट आएगा दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्होंने अपने जान चक्षुओं से देख लिया है वो आंसू क्यों बहाएं, अधीर क्यों हों? जिनके हृदय में अक्षरातीत का सिंहासन सजा है वो घबराएं क्यों? इसलिए जो इस समत्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह योग की अवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है, उसको कहते हैं योगी।